अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं हलका NA 133 में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीट खाली हुई है जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बाद नेशनल असम्बली की ये सीट है और यहाँ पर होने जा रहा है 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन। इस हलके की अगर बात करते हैं तो उसमें जौहर टाउन का इलाका है, टाउनशिप है, कच्चा जेल रोड है, इसके साथ साथ कोट लखपत है, मॉडल टाउन के कुछ इलाके भी इस हलके में शामिल हैं। नाज़रीन, PTI के जो उम्मीदवार जमशेद चीमा साहब, जो कि इस हलके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और खूब उन्होंने कैंपेन भी कर रखी है, बैनर्स लगा रखे हैं, स्टीमर्स लगा रखे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके कागजात नामजदगी पर एतराजात लगाते हुए मुस्तरद किए गए हैं और वो अपना सारा मामला लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। वो मामला ज़ेरे समात है, फैसला होगा तो मालूम होगा कि उनको क्लियर करार दिया जाता है या फिर वो उनके कागजात मुस्तरद ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून से परवेज़ मलिक मरहूम की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को टिकट दिया गया है, वो इस हलके से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा वाकिफ कियानी हैं, पीपल्स पार्टी से असलम गिल को मैदान में उतारा जा रहा है, आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ हैं, हबीबुल्ला हैं, जमील अहमद हैं और इसी तरह से दीगर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस इलाके की आबादी के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 8 लाख के करीब इस इलाके की आबादी है और इस हलके में 371,676 रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं आपको मोहल्ले में गलियों में लेकर जाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस हलके की गलियों में पहुंच चुकी हूं ताकि हम जो मोहल्लेदार हैं, जो रिहायशी हैं, उनके मसाइल सुन सकें और आपको दिखा सकें कि इस हलके में कितना काम हुआ है और कितने वादे दावे किए गए थे हुक्मरानों की जानिब से, वो भी आप तक पहुंचा सके। पहले हाफिज़ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि गलियाँ टूट फूट का शिकार है और लग रहा है कि कई साल हो गए हैं यहाँ की रोड्स, यहाँ की गलियाँ नहीं बन। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाराज क्यों हो रही है? ये कुछ भी नहीं, ये देखो कितना गंदा माहौल है इधर का, इतना गंदा माहौल है, बच्चे को बाहर निकल के इतने बच्चे बीमार होते हैं, ये ऐसा हल तो नहीं होना चाहिए। वो तस्वीरें उतार के ले जाते हैं, तस्वीरें उतार के ले जाते हैं, इतना माहौल गंदा है। देखो इधर गुजारा होता है, इतना गंदा माहौल है। कब से रह रही है इस इलाके में आप? कब के रहने हम, कितने साल हुए हमें यहाँ रहते, इतना माहौल इतना गंदा है ये। तो महंगाई भी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है। घी देखो, गरीब ने तो घी डालना होता है, घी आटा, वो इतना महंगा दे रहे हैं, क्या करना है। अच्छा, पहले सफाई होती थी इधर? पहले साफ होती थी, अब नहीं होती। अब कहते हैं हम बाहर चले गए हैं, वो जो सफाई करने वाले होते हैं वो कहते हैं हमें ठेका खत्म कर दिया है, वो कहते हैं इमरान के गलियों में सफाई किया। अच्छा, आपा मुझे बताइए ये सड़कें कब से नहीं बनी इधर? ये कब की बनी? नहीं बनी। अंदाजन कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गया। 12 साल से सड़कें नहीं बनी? नहीं, वो पैसा ले लेते हैं, खा लेते हैं बस, सारे जो कौंसलर होते हैं वो पैसा लेते हैं, खाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। और आपा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। इलाका आपका कब से खराब है? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बेटा, तकरीबन 15 साल हो गए इलाका बिल्कुल खराब है, बच्चे आते जाते स्कूल परेशान होते हैं। अच्छा। बच्चे क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर? यहाँ कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है इधर। जमादारों के पैसे बिलों पे लगाए हुए हैं, सारे टैक्स बिलों पे लगा के इधर बेटा भेज देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं, और हमारे ये गलियों की सफाई भी नहीं होती है। गलियों की सफाई नहीं होती, सड़कें भी सारी टूटी फूटी पड़ी हैं, बनी नहीं, टूटी फूटी पड़ी हैं सब सड़कें। हाँ जी, सीवरेज का निज़ाम ठीक है इधर? नहीं, कुछ भी निज़ाम नहीं है, गैस चले जाता है तो गैस नहीं आता है, नाश्ते से बच्चे बैठे रह जाते हैं, पानी का बत्ती का इतना इतना बिल भेजते हैं, बत्ती नहीं आती है जल्दी से, गैस नहीं आता है, पीने का साफ पानी मिल रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, फिल्टर से लाते हैं भर के, पूरी आबादी फिल्टर से ला रही है बेटा भर के।
हाँ जी जी आपा, आप क्या कह रही हैं, साफ पानी आ रहा है घर में पीने का? हमारा गटरों का आ रहा है, गटरों का पानी। ये मासूम बच्चे कैसे? हमारे गंदे बच्चे पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं, उनके पेट में दर्द होती है इतनी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते उनकी दवाई वगैरह ले। हम तो गटरों का पानी हम कहाँ से साफ पानी भर के लाए, इसलिए तो हुकूमत, कैसी हुकूमत है हमारी, और सेहत हमारी इतनी, बच्चों की जब सेहत नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बच्चे हमारे बिल्कुल वो बीमार हो रहे हैं, उनका साफ पानी नहीं। हम वोट को नहीं देंगे। किसको वोट देंगी आप? हम जिसको, किसी को भी देंगे जो सहूलत करेगा हमारे लिए, उसको हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। पूरी आबादी से ऐसे ही जाएगा, ये नहीं देंगे। इमरान खान ने कोई सहूलत नहीं करी हमारे लिए, आटा 1300 का तोड़ा कर दिया, घी 400 रुपए किलो कर दिया। हम वोट देंगे, छुट्टी करेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अब हम बच्चे पढ़ाएं या हम खर्चे उठाएं, हमारे पास ना पानी साफ है, ना बिजली इतनी महंगी कर दी है, पानी के बिल महंगे कर दी उसने, और क्या हमें सहूलत। गरीबों को तो सड़क पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा, आगे भी जाए तो वो कहते हैं इतनी महंगाई है, हम क्या करें और हम कहाँ जाएं। रोए ना, रोए ना, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मुल्क खराब हो गया ना, हमारे मुल्क को कुछ नहीं देख रहे, कोई भी नहीं देख रहा। गरीबों के बच्चे ऐसे अनपढ़ फिर रहे हैं गलियों में, कुछ उनके लिए नहीं हो रहा, कोई अच्छा स्कूल नहीं बना रहा इधर कोई, कि गरीबों को फ्राम मिले या कुछ गरीबों की मदद हो जाए। तो हम गरीबों के बच्चे घर में बैठे हैं, फीसें वही नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूलों में क्या करें, घर के खाने के लिए नहीं है, गरीबों फीस कहाँ से दे। और हम इतने कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुनेगा इंशाल्लाह, कोई अच्छा है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे लिए। अच्छा आप बताइए, बच्ची को स्कूल से लाई है? बच्चे को स्कूल से लेने आए, अब उनकी फीस, यूनिफॉर्म नहीं है हमारे पास, क्या हम उनके यूनिफॉर्म खरीद लें, क्या हम उनके लिए कुछ करें। वो यूनिफॉर्म से बगैर आते हैं, किताबें अभी उनसे मिन्नत किया कि हमारे बच्चों को किताबें ले दो, वो कहते हैं कि आधी कीमत पे हम लेके देंगे। आपा सरकारी स्कूल में तो किताबें मुफ्त मिलती हैं, तालीम भी है, मुफ्त है। रक्षा हम कहाँ से, वो 3000 तो रक्षे वाले मांगते हैं, तो वो 3000 रक्षे वाले एक बच्चे का मांगते हैं, हम बच्चे का दें 3000, वो कहाँ से दें। तीन बच्चे हैं उनका कितना बनता है बताएं महीने का। क्या करते हैं आपके घर वाले? कोठी पे काम करते हैं, वो इतनी अच्छी आमदनी नहीं है हमारी कि हम बच्चे पढ़ा सके। लेकिन आप चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें? कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, इनका आगे मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं खुद काम करती हूँ कोठी पे, अब छोटी बच्ची है, शुगर हो गई है, इतनी बीमारियों में भी इनके पापा भी इतने ठीक नहीं रहते, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती, और हम खुद कभी मजबूर होते हैं कि हमारे घर कुछ खाने के लिए नहीं होता, और बच्चे की ट्यूशनों की फीस आगे कितनी होती है, महंगाई उसने कर दी है, और आगे हर चीज महंगी कर दी है उसने। अब क्या सोचती क्या है बच्चों के लिए जो मेहनत कर रही है, इतने दुखी हैं कि पढ़ानी चाहती हैं? क्या कहते हो कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाए, अच्छा इनका मुस्तकबिल बन जाए, और ये अच्छे हो जाए, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, कि इसलिए कि हम माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे, हम जो जलील हो रहे हैं ये ना जलील हो, इनका पढ़ जाए, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बस अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। राम दो तीन दफा आया हमारे घर से चेक करके, वो कहते 12000 देगा, जहाँ जाते उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। उन पर्चियां घर पे रखी हुई हमने, वो लिख के ले जाते, सारा कुछ बताया, घर में भी आया, उन्होंने देखा कि ये है वो है, तो दिखाया कि हमारे घर क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा आपा मुझे ये बताइए कि अब आपके हल्के में इधर इलेक्शन हो रहा है, पता है आपको वोट किसको देंगी आपके ख्याल में? को आएगा वो उसको देंगे हम, जो अच्छा अल्लाह ताला हमारी किस्मत में लिखे। हम कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आगे अच्छा कर ले हमारे मुल्क के लिए। अच्छा अच्छा क्या अच्छा सोचने वाला कैसा होगा, उसे क्या करना होगा आपके ख्याल में? उसे ये करना होगा कि महंगाई कम कर दे, अब घी इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई है, और आटा वो भी महंगा हो गया। ये जो 12000 लोगों को दे रहे हैं उसका मतलब है वो अवाम को, गरीब जो है उनको तो 12000 किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और घर में कितने लोग भूखे हैं बेचारे मजबूर हैं, उनके पास दवाइयों के लिए खर्च नहीं होता, और उन्होंने ये बच्चों के लिए, अब ये नहीं सोचते कि उनके लिए कोई अच्छा स्कूल बना दे। की बेटी है ये? मेरी बेटी है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक। क्या नाम है आपका? अफरोज़। अरे अफरोज़ आपका नाम इतना प्यारा है, आँखें भी कितनी प्यारी हैं आपकी। स्कूल जाते हो जी? कौन सी क्लास में? फोर फोर्थ क्लास में हो। अच्छा
पढ़ के अम्मा तो बहुत कोशिश कर रही हैं कि आप पढ़ लो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे जी। बिल्कुल, गरीब का बच्चा भी चाहता है कि वो पढ़े और गरीब भी चाहता है कि वो पढ़े। इस साइड पर हमारे कुछ बुजुर्ग हैं इस इलाके के, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? आपके इलाके के क्या हाल हैं वो हमें सुनाइए। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मसला सफाई का है, गंदे पानी का है, साफ पानी का है। साफ पानी में गंदा पानी आ रहा है और गटरों का पानी जो है ना यहाँ से उभर रहा था। ये जब से ये ज़िमनी इलेक्शन का ये रौला शुरू हुआ है ना, तो उन्होंने मोटरें चलानी शुरू कर दी हैं वासा वालों ने, तो यहाँ से जो पानी है ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। वरना यहाँ 2-3 फुट जो पानी लोग जो है ना क्या उसमें से गुजर के जाते थे। हमारे ये मेन मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक। ठीक है, नाश्ता वाश्ता हो गया? फ्री हो के बाहर बैठी हैं आप? बस ठीक। रौनक देख रही है मोहल्ले की? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए इलाके के क्या क्या मसले हैं आपके? इलाके के तो बड़े मसले है ने। की दसिए? सब बता दें। देखो तुसी सड़कां दे की गंद वजे पैन वो नहीं पता लगता था ना। सड़कें तो बहुत टूटी हैं, बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं। फिर बड़े हालात खराब हुए पहले। आपा कितने साल हो गए यहाँ रहते हैं आपको? हमको इतने हो गए ने कुछ 25-30 साल होगा। 25-30 साल हो गए हैं। 25-30 साल पहले इलाका साफ था, सड़कें बनती थी? पहले भी बड़िया खराब सी, फिर साफ हो गई थी, हूँ फिर गंद वजा पे। अब कितने साल हो गए हैं कोई नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ? हूँ भी 5-6 साल ही हो चले ने, इस तरह ही बस गंद वजे सड़कां दे। घर में कोई साफ पीने का पानी, कोई सफाई करने इधर आता है? कुछ भी नहीं आता। आप ही सफाई करी दी, पानी बाहर से ले आके पीवी दा, बाहर दी टूटियां तो जड़ियां बोर थले हो जान वो पानी ले आके पीवी दा फिल्टर से लाकर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पर्स पकड़ा हुआ है, क्या खरीदने जा रही हैं? वो मैं इधर सब्जी लेने आई। सब्जी आज क्या बनेगा सब्जी में? देखें कोई भी मिलेगी। अच्छा, आपको क्या पसंद है? महंगाई थोड़ी है, कितनी महंगाई है? हैं, गरीब बंदा तो मर गया था दे। ये हुकूमत करना ये तेल पा के सुती है। और पहली दफा जिंदगी में पहली दफा मैंने गलती की है इसको वोट दे के। पहले ही इसको दिया, गलती हो गई। पहले कभी वोट नहीं दिया? नहीं, मैं डालती नहीं, मैं जाती नहीं। हमें क्या देते हुकूमत? मुझे 20 साल हो गए इधर किराए पर रहते हुए, 20 साल गंदा पानी, गंदे गटर, कोई पूछने वाला ही नहीं इधर। दो तीन दफा गैस नहीं आती होती थी, आज से 4-5 साल पहले जा के उधर औरतों को ले जा के सारा तो गैस आने लगी। अभी भी गैस फिर बंद हो जाती। कितनी महंगी है चीनी, कितनी महंगी है। जो बंदा 200 या 300 रुपया लेके आता अपने बच्चों के देता, वो क्या देगा? किराया देगा, बिल देगा, खाना खाएगा, क्या करेगा? अच्छे की उम्मीद रखें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो हो रहा है ना, खुदा ही चुके न। मैं बेवा औरत हूँ, कहाँ से पूरा करें हम लोग? हमारे जैसे और भी बहुत, मुझसे नीचे वाले भी और बहुत है। रोए नहीं, परेशान क्यों हो रही हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। हमारे बच्चे हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं, कहाँ से इतना पूरा करूँ? अब मेरा बेटा बड़ा है 30 साल का, सारे कहते हैं इसकी शादी करना, मैं कहाँ से करूँ शादी? हाँ, बेवा औरत किधर जा सकती? मोहल्ले में कई ऐसी हैं मेरे जैसी जो बेचारी रोती हैं, खाने के लिए लोग रोते हैं। मैं तो शुक्र अल्लाह करते मेरे बच्चे इज्जत की कमा के ला के देते हैं, चाहे थोड़ी है चाहे जितनी। अब फिर इलेक्शन आ रहा है, अब किसको वोट? मैं तो अपने बच्चों को, अपने पूरे खानदान को कहूंगी वोट नहीं देना, वोट नहीं देना। हमारा हक है ये, हमारा फर्ज है। फर्ज है ना, लेकिन ये जो बैठ जाते हैं सीटों पे, इनको भी तो कुछ चाहिए ना करना। ये क्या करते हैं? इनको जब जरूरत होती कहे ना हमारे गटर साफ कर दें, तो गटर साफ करके जाएंगे ये लोग, बाद में किसी को पूछते नहीं। बाद में इनकी बेगमात क्या देती है जी, सो रहे हैं या कहीं जाके।
ये नहीं पूछते किसी। बुनियादी सहूलियात भी इस इलाके में नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बीबी, ना तो पानी साफ है। हम टाउनशिप से लाते हैं पानी, उसी से हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। मुझे 2 महीने हो गए मैं बीमार हूँ, अभी भी मैं सुबह सरकारी हॉस्पिटल में 4500 रुपया उसने सीटी स्कैन का मुझसे मांग लिया। आपा पीटीआई हुकूमत तो हेल्थ कार्ड बना रही है गरीबों के। मेरा नहीं बना कार्ड। अच्छा। मैंने 3-4 दफा अप्लाई किया, नहीं बना। अच्छा। मेरे बेटे ने कर्जे के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला। हाँ। कुछ नहीं बना। मेरे मियाँ आर्मी में फौत हो गए, उसकी उनकी पेंशन मुझे 14,000 रुपया मिलती। वो कहते आप अहल ही नहीं हो। वो तो मेरे मियाँ की मेहनत थी जिसकी मुझे मिल रही है, हुकूमत दे रही है मुझे। क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो कोई देखो ऐसा, अब तो मैं कहती हूँ जब वो बेहतर है, बस लग जा सारे अपने घर में बैठ दे जा। इतनी नाराज हो गई हैं? अरे जो तो तकलीफ है तो नाराज तो बेटा मैंने होना ही, तकलीफ है तो नाराज तो होना ही। कई मैंने लोग देखे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, इसको क्या नजर नहीं आता? इससे तो वो नवाज शरीफ चंगा, हॉस्पिटलों में चल जाए। इतना गंद है हॉस्पिटलों में, मुझे हफ्ता हो गया मैं चक्कर लगा। मैं कहती हूँ सीटी स्कैन के लिए उन्होंने 4500 मुझसे मांगा। कौन से अस्पताल में? जर्नल में। वो हमारी गली का लड़का है, उधर जॉब करता है। फिर फोन करके उसको बुलाया, उसने फिर 2250 रुपए दिवाए, आधे करवाए मेरे। हैं कहाँ से गरीब लाए? अब दवाइयाँ मेरी इतनी महंगी, मैं दवाइयाँ नहीं ले सकती। मेरा बेटा अब मुझसे पैसे 500 लेके गया, 500 की कितनी वो मेरी दवाई आएगी? 2 दिन की आएगी। हिम्मत करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। नाज़रीन, ये इलाके की हमारी ख़वातीन है जो कि यकीनी तौर पर कितने सालों से यहाँ रह रही है। अंदाज़ा ही नहीं, बहुत गंदगी है इधर। अब पानी नहीं, स्मेल आती है पानी में। इतने घरों में जो पानी आता, हम सिर्फ कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, ये भी नहीं पता होता कि हम पाक भी हुए हैं कि नहीं हुए। गंदा पानी, गंदी गलियां और यहाँ के लोगों के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ। अच्छा, गाड़ियों का काम करते हैं। कैसा गुजर बसर हो रहा है आजकल आपका? भाजी यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि देखने के बायस नहीं है। यहाँ पे पानी, यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक घुटनों तक पानी आता है। यहाँ पे इतने के सीवरेज के गंदे हालात हैं कि बता नहीं सकता हूँ। जिस दिन पानी होगा वहाँ पे, यहाँ पे आप चेक करें तो ये सारा हुकूमत का पानी है। जब बारिश होती है तब जमा हो जाता है या फिर वैसे भी यहाँ जमा रहता है? बारिश के अलावा भी सीवरेज में मसला है। बारिश के अलावा अगर बारिश हो जाए तो 10 दिन यहाँ से पानी नहीं खत्म होता। उसके भी शिकायत की है वासा को, बिल तो आप देते हैं शिकायत करते हैं, लेकिन आते हैं वक्ती तौर टेम्परेरी, आके फैसिलिटीज पूरी करके चले जाते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं कि पानी खत्म हो जाए। ये तो इधर के इलाका है, जो इधर के रहने वाले इन लोगों ने मिट्टी मिल के डाली है यहाँ पे। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो जो अंदर जो आपके घर में पीने का साफ पानी आता नहीं, है गंदा पानी, सीवरेज वाला पानी सब घरों में इसी तरह है। खाली एक घर मेरे में नहीं, सब में इसी तरह है। सीवरेज का पानी है, सारा गंदा। वोट बना हुआ है आपका? जी जी। किसको वोट देंगे अभी? मैं तो कोशिश यही करूँगा नून लीग को दूंगा जी। और उसकी क्या वजह होगी? वजह यही है कि ये जो आदमी आया है गंदा नहीं है, इसको सिस्टम चलाने का पता नहीं है। सर सीवरेज का तो आपका पुराना मसला है, ये तो अभी 3 साल हुए मौजूद। 30 साल से देख रहे हैं ये वाले मसले को, तो 30 साल से देख रहे हैं। सीवरेज तो आपका नून लीग के दौर में भी ठीक नहीं हुआ? नहीं, उससे पहले था ठीक, बड़े पाइप नीचे डले थे, लेकिन तब तक ठीक था। उसके बाद फिर जिस तरह आबादी बढ़ती गई, दुनिया ज्यादा आती गई, उसकी वजह से मसले मसाइल खड़े होते गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। ठीक है, इलाके के मसाइल कितने खतरनाक है, खवातीन परेशान है। यहाँ के जो मुतलका अफसरान हैं, जो मुतलका MNA MPAs हैं, कभी विजिट किया है, कभी आपकी दादरसी की है, कोई आया है क्या इधर? जी यहाँ पे तो कभी कोई भी नहीं आया, किसी किस्म के कोई मतलब के कोई गवर्नमेंट का अदारा नहीं आया, ना ही कोई सियासतदान आया यहाँ पे किसी किस्म का, कोई यहाँ पे कोई लोग। अभी इलेक्शन हो रहा है, वोट किसका? इस बार तो हमने यही नियत की है कि वोट किसी को नहीं देना। लेकिन ये हमारा कौमी फर्ज है, वोट जाया कर देंगे क्या आप? लेकिन जी वोट जो है ना, ये किसको दें हमें, ये समझ नहीं लग रही हमें किसे दें। जिसको दें वो एक दफा वोट लेता दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है जी, जिसको भी वोट दिया जाता है वोट लेकर दोबारा नुमाइंदगान गायब हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते, और लोग परेशान है और कह रहे हैं कि अब हम वोट ही नहीं देंगे।
आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये किसी गंदे तालाब की, ये किसी कचरा गाह की नहीं है, बल्कि ये इस इलाके के वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड की है, जहाँ पर किसी जमाने में बच्चे खेला करते थे यहाँ पे। लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने, काई ज्यादा पानी, अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद सीवरेज का सारा पानी यहाँ पर जमा होता है। अगर उसको डिस्पोजल कर दिया जाता है तो वो सारा पानी इस ग्राउंड में डाल दिया जाता है। कचरा कुंडी बन चुका है, किसी ने कूड़ा नहीं उठाया और यहाँ पर देख लीजिए पूरा एक डंपिंग साइट बन चुका है। इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि हमारे महकमे, जिनकी जिम्मेदारी है कि सीवरेज का निजाम ठीक करना है, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाना है, ये वासा का ऑफिस है। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, साफ पानी शहरियों को पहुंचाना भी वासा की जिम्मेदारी और सीवरेज का निजाम भी वासा की जिम्मेदारी। और वासा ऑफिस के सामने ये सूरत हाल देख लीजिए। ये है जी ग्रीन टाउन की फरीद कॉलोनी है, शहरी दुहाइयां देते परेशान होते खुद हमारे पास पहुंचे हैं कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है बेटा। चाचा कितने साल से इधर हैं आप? इथे जवानी तो आए हैं, बड़ेपा हो गया, इथे सारे बच्चे पैदा हुए ने, हुण साडियां जगह भी नहीं बिकदियां कि असीं बेचते किसी होर जगह ते छिटके। कितने साल हो गए कि इस ग्राउंड में बच्चे खेला करते थे कभी? ये आज तो 3 साल पहले इतने बच्चे खेलते सी, जदों तो ये हुकूमत आ गई है उदों तो पानी किसी ने साड़ी सुनी नहीं दी। अच्छा। कहे गटर वगदा वो जान बोझते लोगों ने छड़े ने पानी इधर नू लगा जाए, कोई किसी से पूछने वाला या आखने वाला ना इन्हों महकमे को डर है, कोई जल कोई बंदा आखेगा या किसी तरह किसी के कहते कोई किसी का कहना मनता ही कोई नहीं। वासा का ट्यूबवेल भी यहाँ लगा हुआ है इदारे का, एह पानी थले जाता है, एह टूल खिंचता है तो साढ़े घर जाता है, एह पानी पीते असं बीमार होने पे। हर घर च मच्छर ने, हर घर कोई घर यहोजा नहीं कि किस घर कोई दो चार जी बीमार नहीं। तो बीमारियां हैं, सरासर बीमारियां हैं ये तो। ये बस कोई साढ़े भी असियाँ ने कोई मसीहा साढ़ा आ जाए कि साड़ी अपील सुन लवे, साड़ी मजबूरी वेखे गया अस किस मजबूरी च असी आपकी जिंदगी गुजारने पे। बिल्कुल जी, मसीहा के इंतजार में है ये शहरी और इंतजार करना बनता भी है कि कितने गंदे माहौल में ये लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं गलियों में खेल रहे हैं, यहाँ से बीमारियाँ लेकर वो अपने घरों में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक सर। ये आपके इलाके का इतना बुरा हाल कब से हो गया? क्यों कभी किसी इदारे को शिकायत नहीं की आपने? क्यों सफाई नहीं करवाते इसकी? ओ बाजी जी, असी तो हाथ जोड़ जोड़ के इन्हां दे अगे ना इन्ने क तंग हो गए भी असी अपने आप तो मजबूर हो गए भी इन्हां महकमे वालों की कही जे वासा वाले नूं आने तो ना वह नहीं सुनते, जे सफाई वाले नूं आने वह नहीं गड्डियां लैके, दो दो महीने का कचरा इत्थे पिया, असी तो इन्ने क परेशान हैगे आ भी दिल करदा भी इन्हां दे सिर 'च कोई शै मार दे, साढ़े सिर 'च मार दे, साडी कोई पील ही नहीं सुनदा पिया। वासा का बिल आता है घर में? हाँ जी, वासा का बिल आता, बिल टैक्स आ रहे ना आ रही तो मीटर कट के चल जाते हैं, जो काम का कही तो कम आ वासा वाले जो बिल्कुल गटर सामने मेन के उत्ते है, बच्चे इतों डिगते हैं गिराते हैं गड्डिया तबाह होती है, ये कोई साड़ी सुनते नहीं रहे वासा वाले। सामने ट्यूबवैल पानी पीने वाला जो इतों असं पानी पी उ पानी थले जाता उ असं पी रहे हैं। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि अब आपके पास एक और मौका है, आपके इलाके में इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देंगे, कौन करवाएगा? जी कोई भी वोटा वाला आ जाए, साढ़े इलाके का काम होना चाहिए, चाहे पीटीआई हो चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे पीपल पार्टी हो, साढ़े इलाके का सानू काम बहुत जरूरी है, सानू इलेक्शन दे विच जिहड़ा मर्जी आए सानू एक काम वाला बंदा चाहिए जिहड़ा साडा काम करे। नून लीग भी आई देखो हाल साडा रहा, पीपल भी आई देखो ही हाल रहा, जे दे विच असीं ते बहुत जलील हो गए, असीं शेर नूं वोट देंगे उदों फिर भी कोई हाल सी कोई सुनदा सी साडी, हूँ तो साड़ी कोई सुनता ही नहीं रहा इस हुकूमत च, दसलो मसायल हल होने चाहिए, साढ़े मसायल हल होने चाहिए, जो मर्जी आए साढ़ा, जो मसायल नहीं हल होना असं किसी को नहीं कोई जानते।
जी सर, बुजुर्गों कब से इधर हैं आप? मैं जी 45 साल तो इधर ही। 45 साल से इलाका साफ था, ये बच्चों की ग्राउंड कितना बुरा हाल हो गया? इनको 3 साल हो गए, 3-3.5 साल। ये ऐसे ही है, जो हुकूमत आई है असं बड़ी अपील की सारे मेरा मतलब दफ्तर जो फोन से भी गल की वो जी आने जाने आने जाने तो सुनता कोई नहीं। वो तो कहते बस हमने आवाज़ नहीं सुननी किसी की भी। फिर दूसरी गल है कि सारे थावे से अं दफ्तर से गए हैं, वो आने जी लियाओ एम पी अपने लियाओ फलाने बस आते दफ्तर चाहिए, वो जी अपने MP MLA कहो। आइए। अच्छा भाई, क्या कॉल की आपने? मैंने अभी 11:39 पे कॉल की है, तो मैंने कहा डेढ़ महीना हो गया मैंने आपको कॉल की, वहाँ ये कूड़ा नहीं उठा रहे आप। आगे से कहते हैं मेहरबानी आपकी, अब उठा लेंगे, तो मरना उठाते कोई नहीं। यहाँ पे हर चीज महंगी हो गई, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बच्चे अपने खुद लोग बेच रहे हैं, 300 में बेच रहा, कोई 500 में बेच रहा, बच्चा मेरा ले ले मुझे 3 वक्त की रोटी दे दें। ये हालात मुल्क के हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, वोट किसका? अब इलेक्शन हो रहा है आपके इलाके में, एक और मौका है आपके पास। हम तो अब नून लीग को ही वोट देंगे, आगे भी दिया था कोई 10 साल उन्होंने, कुछ तो हमारी बात सुनते थे, जब गटर उछलते थे वहाँ आके साफ करके चले जाते। वहाँ ये हुकूमत आई है 3 साल में हमें बेरा गर्क हो गया, मुल्क का सारा निज़ाम खत्म हो गया। ये ग्राउंड खेलते थे, बाल खेलते थे, कूदते थे, ये तो 3 सालों में ये पानी का हाल हो चुका है। बेटा कोसरा कह रहे हैं जी मच्छर डिंगी आ गया तो करोना आ गया, तो करोना ना आएगा तो हो रहे थे कि आएगी किसी नू, ये तो जीने मरे असं इतने जड़े रहन डे। वो दावे करी जाता जी करोना करोना करोना, वो करोना क्यों नहीं आएगा जो तो तुसी करोना वाला काम ही नहीं खत्म कर। हाँ तो करोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी ज्यादा आएगा ना, अभी डिंगी पे काबू नहीं पा रहे, हस्पताल भरे ने जी डिंगी इधर डिंगी नहीं फट दे जिसो डिंगी ज्यादा रही है। जाते हैं गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से गटर से निकाल के यहाँ पे बैठ के जाते हैं, वासा की गाड़ियाँ खुद आती हैं। और उस दिन मैंने तस्वीर खींची है तो उसने मेरे से पकड़ के तस्वीर कैंसिल की है, कहता है तस्वीर कैंसिल करो इसकी। हम ये बाबा फरीद कॉलोनी में रहते हैं, कोलाखपा सेंटर, ये लाहौर का सबसे गाढ़ है नून लीग का। अब ये चाहिए इसकी वजह से बेड़ा गर्क हो। सामने इतनी बड़ी जेल है, जेल वाले भी ये नहीं कहते कि हम इस गली का काम करवा दें, इनका काम करवा दें। जितने भी कैदी हैं सारे बीमार हैं इस टाइम अंदर जेल के अंदर, सिर्फ ये गंदगी की वजह से। भाई साहब, बच्चे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये तो आपका ग्राउंड हुआ करता था, आप कहाँ जाते हैं? ने जब ये चलाई थी ना कि ग्राउंड बचाएं, हमें बताएं हम ग्राउंड बना के देंगे, तब भी अपील लेकर गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा था ये ग्राउंड का कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरे ग्राउंड में। किसके पास लेके गए थे? इधर MPA उनके पास, तो उन्होंने ये कहा कि और भी ग्राउंड है, यही ग्राउंड है आपको, इधर इतनी बड़ी महफिल नात होती थी, इस पानी की वजह से गंदगी की वजह से वो महफिल नात खत्म हो गई है, ये हालात हो गए हमारे। वोट किसका? वोट हमारा शेर का। उन्होंने भी तो कुछ नहीं कराया, पहले भी तो उनके उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये इतना काम करवाया, क्या कह सकते, ये सब कुछ उनका किया हुआ है, इधर का कुछ भी नहीं इधर किया हुआ, ये गलियां जैसे छोड़ के गए हैं अभी तक वैसे की वैसे। लेकिन भाई साहब, इस इलाके से जो मरहूम परवेज मलिक साहब थे वही तो जीते हुए थे, उन्होंने भी तो आपके लिए काम नहीं किया 3 साल। वो फंड ही नहीं इन्होंने दिया, फंड वैसे का वैसे ही गलियां की वैसे छोड़ी हुई है। इधर वो आएंगे अभी थोड़ी देर पे, ये हमारी दरख्वास्त जाएगी आगे तक, अभी आएंगे इधर से वो पैप डालेंगे पानी इधर छोड़ देंगे जी, ये हमने गटरों का काम करवाया, इदारे खुद कर रहे हैं। पूरे इलाके के घर तबाह हो रहे हैं, जो गरीब आदमी इन्होंने छत डिगन वाली हुई पे, देखो पानी लाल लाल तोड़ इधर चार्ज फिर पानी, ये पानी का निजाम ना बंद होगा तो किधर जावे, छत लैटरी तो छतरी पाई जाती घर डिग पे तो कितने छत पावे। नसरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से NA 133 में इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन ये बच्चे अभी भी बुनियादी सहूलियात से इस इलाके के लोग भी महरूम हैं। सूरत हाल आपको दिखाई है, लोगों का जो कमो गुस्सा है वो भी हमने आप तक पहुंचाया है। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं टाउनशिप बाजार के करीब पहुंच चुकी हूं और यहां पर आवामी राय क्या है इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? करम अल्लाहबाद। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूं। अरे रिक्शे वाले भाई साहब, आज कैसा काम चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाहबाद का। हाँ जी, किराए बढ़ा दिए? बढ़ा दिया। स्टाफ के साथ 20 कर दिए, जहाँ का 30 रुपए किराया था वहाँ का कर दिया कभी 30 रुपए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है इस इलाके में इलेक्शन हो रहा है आपके इलाके में? हाँ जी। हो, किसको वोट देने वाले? शेर को देना हमने। क्यों? देखे ना, महंगाई पहले नहीं थी, शेर अगर आया था कोई बात नहीं, अब ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब रोटी खाने के मोहताज बन गए। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, नून लीग ने खराब कर दिया सब कुछ, हुकूमत तो ये कह रही है। तेल महंगा कर दिया है, रोटी पानी हर बंदे का बंद कर दिया उसने, ठीक है, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, और गरीब बंदा क्या करे? देखो तेल उसने इतना महंगा कर दिया, तो हमने कराया फिर बढ़ा दिया दादा सर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन हो रहा है इस इलाके में, किसको वोट देंगे? वोट तो आप किसी को नहीं देंगे। नाराज हो गए? हाँ, लेकिन नाराज होने वाली बात है ना कि भाई वो पहले वाले वो आपके सामने मसले उनके ये आए, इनको महंगाई इतनी है। हाँ, वोट तो इन लोगों को दिया था हमने, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, कुछ किया। वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे इंशाल्लाह। क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हम तो मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, हम तो मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए बस, हमें बंदों के साथ नहीं है, हमें मुल्क के साथ है। बेहतरी के लिए हुक्मरानों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? देखो ना, वो असेंबली में बैठे हैं, उनको तो सब कुछ करना चाहिए, उनको पता क्या करना है, हमें भी पता क्या करना है, उनको पता है कि हमने क्या करना है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो बस, जो भी हो। नाज़रीन, ऐसे लोग भी हैं जो नाराज हो गए हैं और चाहते हैं कि हम अब वोट ही नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। अरे माशाल्लाह, आजकल कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बख्शार है। ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। लोग बड़ा नाराज हैं आजकल, महंगाई से परेशान है लोग, बेचारे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। ये तो कहते ना, मोमिन के लिए एक इम्तहान का है दुनिया में, जितना अल्लाह दे आप थोड़े माल अपने थोड़े रिज़्क़ पे खुश हो जाएं, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक आपके थोड़े माल पे खुश हो जाएं। सर अब मुझे ये बताइए कि इस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? इनफैक्ट ऐसे है कि हम इन रियलिटी मार्केट में हमारे जो गिरदोनवा का मामला जो है, हमारे वोट से कुछ नहीं होता। अच्छा, वोट किसका? वोट किसका? वोट तो देखिए जी, एक तो इमानत है, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो देखा जा रहा है ओवरऑल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पीटीए को दिया है वोट, इलाके में कुछ काम हुए हैं, ये नहीं कि नहीं, हम कह रहे कि नहीं हुए, इसका मतलब खुश हैं आप? इन रियलिटी हमारे यहाँ वजीर आला नया आया है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता यहाँ पे कि किसको कहाँ पे किस महकमे में किस तरीके से काम दिया जाएगा, क्योंकि हर महकमे में जो लोग बैठे हैं ओवरऑल पूरा प्रीवियस है, प्रीवियस लोग है वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक काम। पीटीआई से खुश हैं आप? खुश हैं, खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खुशी खुश सबसे खुश है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम शाम कैसा जा रहा है आज? बस ऐसी मुनासिब ही है, कोई खास नहीं है, कभी काम तेज हो जाता है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। इलेक्शन हो रहा है, वोट किसका? नून लीग का। वजह क्या है? वजह ये है कि वो नहीं है, हमारा मुल्क उन्होंने 5 सालों में संवारा था और अब भी संवार रहे हैं, मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं करी, उनको बना दिए गए, बाहर जाके बैठे हुए हैं, वापस ही नहीं आ रहे आपके लिए। चोरी साबित करी नहीं उन्होंने, निकाल दिया उसको मुल्क से बाहर, निकाल दिया, हमें निकाल तो दिया। तो खुद गए हैं? नहीं, खुद नहीं गए, खुद नहीं गए, इलाज कराने गए थे, अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक नहीं आए वो। इस तरह तो शिवाज शरीफ भी बीमार है, उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं बाहर गया, उसका वजह वो क्यों नहीं गया भाई? आप अपने लीडर को कहिए ना कि वापस आए, आपकी आवाज़। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा लीडर आएगा और इससे अच्छा काम करके दिखाएगा, बेशक 5 साल नहीं आना उसने, हमें पता है नवाज शरीफ ने नहीं आना, हमें पता है कि आएगा शहबाज शरीफ आएगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, आवाम की इलाकों के जो मसाइल हैं वो भी हमने आप तक पहुंचा दे हैं, ख़वातीन कितनी परेशान हैं, मर्द हज़रात के क्या मसाइल हैं, गलियां टूटी हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, घर में पीने का साफ पानी नहीं मिलता और इलाका मकीन यहाँ के बुनियादी सहूलियात को अभी तक तरस रहे हैं। लेकिन जब वोट की बात की है तो फिर कुछ लोग नाराज हैं, वोट ही कास्ट नहीं करना चाहते, कुछ लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला
5 दिसंबर को होगा कि इस इलाके के आवाम किसको अपना मुंतखब करदा नुमाइंदा देखना चाहते हैं और किस पर एतमाद का इजहार करते हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।